भारत माता की गिद्धौर दुर्गा माई बाबा धनेश्वर नाथ के ये पवित्र भूमि के नमन कर ही भगवान महावीर के ये ज्ञान भूमि पर अपने सबके अभिनंदन कर ही मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इस तरफ देख रहा हूं पूरा हुजूम का हुजूम अभी आ रहा है। अब जरा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है? आपने कमाल करके रख दिया आज। आज जमुई की इस खूबसूरत धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है। जुमई से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका के साथ साथ बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहारवासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं। और इसलिए पूरा बिहार कह रहा है फिर एक बार। साथियों, मैं जब भी आपके बीच आया हूं आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है, अपनापन दिया है, लेकिन आज इस मंच से एक कमी हम सबको महसूस हो रही है। हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलितों, वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को
दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दलदल से बाहर निकालकर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे, इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए हैं जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण। आप याद करिए, 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था, छोटे छोटे देश। आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे, और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है, भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है, आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बढ़ी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चंद्रमा के जिस कोने पर कोई नहीं पहुंचा था, वहां हमारा चंद्रयान, हमारा तिरंगा पहुंचा है। भारत जब G20 की मीटिंग करता है तो उसकी चर्चा भी पूरे विश्व में होती है।
ये किसने किया, ये किसने किया, ये किसने किया? जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट की वो ताकत थी जिसके कारण ये सब संभव हुआ है, और इसलिए इस सफलता के हकदार अगर कोई है तो आप मेरे प्यारे देशवासी हैं। साथियों, आज देश कैसे बदल रहा है, बिहार खुद इसका साक्षी है। और बिहार कैसे बदल रहा है, इसका उदाहरण जमुई में भी देख सकते हैं। आप याद करिए, हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे, जमुई की पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्त भोगी होता था। जमुई की पहचान नक्सलवाद से होती थी। सरकार की योजनाएं यहां पहुंचने ही नहीं दी जाती थी। नक्सली यहां सड़कें नहीं बनने देते थे। इसका नुकसान यहां के गरीब, मजदूर और किसान को होता था। लेकिन आज वही जमुई विकास के हाईवे पर तेज रफ्तार पकड़ रहा है। नक्सलवाद दम तोड़ चुका है। जो लोग नक्सलवाद के रास्ते पर भटक गए थे, उन्हें हमारी सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ा है, उनके परिवारों को पूरा सहयोग दिया है। अब इस इलाके से एक्सप्रेसवे निकलेगा, मेडिकल कॉलेज भी खुल गया है। अब जमुई के एक और देवघर से हवाई जहाज की सेवाएं शुरू हो गई हैं, तो दूसरी ओर गया एयरपोर्ट के विस्तार की तैयारी भी चल रही है। इस इलाके में इतनी प्राकृतिक सुंदरता है, हमारा प्रयास है कि देवघर और गया जी आने वाले लोग यहां भी आकर के जाएं। पूरे बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी सरकार करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इन सारे प्रयासों से यहां रोजगार और स्वरोजगार, इसके अनेक अवसर बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपको एक बात और कभी भी भूलनी नहीं है, हमेशा हमेशा याद रखना। याद रखिए, और कोई भी गरीब मां का बेटा इसको भूल नहीं सकता है, कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है, कोई भी आशा अपेक्षा का लेकर के जीने वाला नौजवान, मेहनत करके आगे आया हुआ नौजवान उस बात को कभी भूल नहीं सकता। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गमंडिया गठबंधन वालों के समय में
केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और जल्द ही ये ट्रेनें देश के हर रूट पर दौड़ती नजर आएगी। जमुई के पुराने रेलवे स्टेशन की जो हालत है वो तो आप भलीभांति जानते हैं। अब जमुई का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक बन रहा है। कुछ महीने पहले जब नए रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई गई थी तो सब जगह उसकी चर्चा हुई थी। वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बड़े रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट्स की तरह सुविधा युक्त होंगे। साथियों, अभी नीतीश बाबू बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, भाई चिराग बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, हमारे सम्राट जी बता रहे थे कितने सारे काम हुए, और मैं भी इतने सारे काम बता सकता हूं, शायद रात भर मीटिंग चलानी पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी भाइयों बहनों, ये मोदी है, मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को, बिहार को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप मेरे साथ सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं? और आगे जाना है ना, बहुत आगे बढ़ना है ना, बिहार को भी बढ़ाना है ना, हिंदुस्तान को भी बढ़ाना है ना। साथियों, ये मोदी गरीबी के ताप को सहकर यहां पहुंचा है, इसलिए हर गरीब के सपने का महत्व मोदी भली भांति जानता है, उसको जीने का प्रयास करता है, और इसलिए बिहार के मेरे नौजवान, बिहार के मेरी माताएं बहनें, बिहार के हर बुजुर्ग, मेरे शब्द लिख करके रखिए, और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। इसलिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाख पक्के घर मिले हैं। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है, और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। बिहार में 84 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, इसलिए ही मैं कहता हूं, जब नियत सही तो नतीजे सही। साथियों, बीजेपी सरकार इंसानों की सेवा तो कर ही रहा है,
हमने पशुधन की भी उतनी ही रक्षा करने का तय किया। केंद्र सरकार ने बिहार के करीब 2 करोड़ पशुओं को खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त में टीकाकरण का अभियान चलाया है। आपको कोविड के समय मुफ्त में जो मोदी ने टीका दिया वो तो याद है, मोदी पशुओं को भी टीका मुफ्त में लगा रहा है। पहले गरीबों का जो पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था, अब वो सीधे आपके खाते में पहुंच रहा है। आज बिहार के 85 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। यहां जमुई में ही किसानों को इस योजना के तहत 850 करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, एक गमंडिया गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? हो सकता क्या? आरजेडी कांग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि हाँ पैसा मिल गया है। साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। और इसलिए ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? साथियों, ये कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई का विरोध कर रहे हैं? आप देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती, दूसरी बार ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, दूसरी बार एक गमंडिया गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। हम नीतीश जी के सहयोग से बिहार में हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जबकि आरजेडी ने बिहार को गड्ढे और खाई में धकेल दिया था। एनडीए सरकार गरीबों की उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है,
जबकि आरजेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बेटियों को नए अवसर देते हैं, जबकि आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। साथियों, हमारी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। जबकि यही आरजेडी कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आज भी ये लोग राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। यही कांग्रेस और आरजेडी की जिसने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया। इन्हीं लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया। कांग्रेस और आरजेडी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 19 अप्रैल को आपको इन गरीब विरोधी लोगों को अपने वोट से हराना है, चुन चुन करके इनको साफ करना है। करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आपको मेरा एक और काम करना है, घर घर जाकर लोगों को बताएं मोदी जी आए थे, मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचेगा, ये आपकी गारंटी? तो मेरी गारंटी है विकास की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।